है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। आज मुद्दा शरद यादव ने जो बयान दिया उसने कहीं ना कहीं आधी आबादी को निराश किया है। शरद यादव ने वोट की तुलना महिलाओं की इज्जत से की है तो विनय कटियार का कहना है कि प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत प्रवक्ता या प्रचार करने वाले लोग उनकी पार्टी में है। सवाल यह है ये किस तरह की मानसिकता है और इतने बड़े राजनीतिक दलों के लोगों के बीच ये मानसिकता अगर पनप रही है तो इनसे उम्मीद कैसी की जा सकती है। एक लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत होती है, वोट की तुलना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन राजनेता वोट की तुलना महिलाओं की इज्जत के साथ करने लगे और उसके बाद ताल ठोक के कहने लगे कि मैंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अलंकार का इस्तेमाल किया है, तो इसे आप क्या सोचेंगे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कही है जो राज्यसभा की इस वक्त शोभा बढ़ा रहे हैं। अपने बयान पर वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। फिर फिसली शरद यादव की जुबान, ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। नहीं, फिर अपनी सीमा को लांग गए विनय कटियार। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं। पुराने सियासतदान और कद्दावर नेता आखिर बार बार इस तरह के बेतुके बयान क्यों देते हैं? क्या यही सियासतदान और देश की सियासत का मिजाज हो गया है? बड़बोलेपन में गलती से कभी कभार जुबान फिसल जाती है, लेकिन जब बार बार जुबान फिसले तो उसे क्या कहेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपने बयानों को लेकर शरद यादव पहले भी विवादों में रहे हैं। एक बार फिर शरद यादव के बयान पर बवंडर खड़ा हो गया है। पटना के समारोह में शरद यादव वोट की अहमियत समझा रहे थे और बोलते बोलते वोट की इज्जत को बेटियों की इज्जत से बड़ा बता दिया। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं। बयान के लिए शरद यादव को महिला आयोग का नोटिस मिला है। विरोधी उन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शरद यादव अपने बयान पर अड़े हैं। जिस तरह से हम बेटी के साथ ईमान रखते हैं उसी तरह वोट के साथ भी ईमान रखना चाहिए। वो कह रहे बेटी की इज्जत से बड़ी वोट की इज्जत कैसे होगी। हाँ, ये जरूर है, दोनों की बराबर है। एक और नेता है जिनकी जहरीली जुबान सुर्खियों में रही है, विनय कटियार का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। बयान देते देते वो एक बार फिर अपनी सीमाओं को पार कर गए। यूपी में माहौल चुनावी है, सवाल प्रियंका गांधी के स्टार प्रचारक बनने से जुड़ा था और विनय कटियार के बिगड़े बोल से बवंडर खड़ा हो गया। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। कटियार के बयान की भी तीखी आलोचना हो रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नेताओं की तरफ से ऐसे शर्मनाक बयान सामने आए। लगता है बदजुबानी देश के सियासत की रवायत बनती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड, आरती मेहरा, भारतीय जनता पार्टी, सरवत फातिमा, कांग्रेस पार्टी, शीबा असलम फहमी। सबसे पहले राजीव रंजन साहब, आप लोग तलब क्यों नहीं करते? आप शरद यादव से नीतीश कुमार पूछते क्यों नहीं है कि साहब आप इस तरह की तुलना कैसे कर सकते हैं? वोट की कीमत समझ में आती है, लेकिन उसकी तुलना महिलाओं की इज्जत से की जाए ये कोई नहीं समझना चाहता। देखिए, भारतीय राजनीति के उन चंद राजनेताओं में शरद यादव जी हैं जिन्हें संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है। लोकतंत्र बहाली की आंदोलन की अगुवाई उन्होंने 74-75 में की है और जो कुछ उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र का ये संक्रमण काल है, जिस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग लोकतंत्र में मताधिकार के अपहरण के लिए हुआ है, उसको लेकर के उनकी चिंताएं बहुत हद तक वाजिब है। राजीव रंजन, और इस क्रम में वो आह्वान कर रहे थे, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप भी यही मानते हैं जो शरद यादव मानते हैं, जैसे लोकतंत्र में वोट भी अहम है।
नहीं, शरद यादव जी ने तो अब सफाई देने के बाद बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कोई सफाई नहीं कहना था, वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। सर, और ये कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य है कि आप एक महिला की इज्जत से वोट की तुलना कर दें? नहीं की है, जिस पर इस तरीके से बावेला हो रहा है। हाँ, जो विनय कटियार ने कहा है वो निश्चित तौर पर एक शर्मनाक बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो शरद यादव ने कहा वो शर्मनाक बयान है। महिला नेताओं ने जो संघर्ष के बल पर अपनी जगह बनाई है उनको उन्होंने सुंदरता का पैमाना बता करके और कहीं ना कहीं उसके आधार पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करके, ये कोई आपको किसी तो, ये कोई आपको वोट को अलंकृत नहीं करना है, कहे हैं वो कहीं ना कहीं जो राजीव रंजन जी जनता पार्टी की उसको दर्शाता है। राजीव रंजन जी, ये तो वही स्थिति हो गई कि ना मैं झुकूंगा ना मैं माफी मांगूंगा गलती करने के बाद। ये राजनीति आप उनका बड़ी, मुझे उनकी आजादी का इतिहास से लेकर अब तक का भूगोल उनका बता रहे हैं आप, मुझे उनका बायोडाटा सुना रहे हैं आप, उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि शरद यादव जी आपने ये गलत आप तुलना की है, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप ये भी तो कह सकते हैं, आप जस्टिफाइड कर रहे हैं उनके बयान को। देखिए, शरद यादव जी ने इस पूरे विवाद का पटाक्षेप खुद अपनी सफाई से कर दी है कि उन्होंने क्या कहना चाहा था, और जिन शब्दों को उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है तो मुझे लगता है उनके राजनीति की जो वरिष्ठता है, जो उन्होंने अब तक जो संघर्ष किए उसके आधार पर ये जरूर समझा जाना चाहिए कि उनके कहने का अभिप्राय क्या था। ओके, आरती मेहरा जी के साथ भाव, आरती मेहरा जी, वोट की कीमत हमें पता है, कहना चाहते लेकिन वोट की तुलना महिला की इज्जत से कर देना ये कितना सही है जी? आरती मेहरा जी, बिल्कुल डिसगस्टिंग है, बिल्कुल डिसगस्टिंग है रमेश जी, डेरोगेटरी है, मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ, डिमीन करती हूँ, कि यह बहुत डिमीनिंग है। और शरद यादव जी जैसे अनुभवी नेता, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि वो इतने सालों से इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, जो उनकी परवरिश है, उसमें जो महिला के प्रति सोच है वो उनकी समय समय पे दर्शाती रहती है। चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में महिला बिल के समय पे प्रकटी महिलाओं का जिक्र किया, काफी सीनियर चाहे उन्होंने एक्टिविस्ट रही हैं और महत्वपूर्ण नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, यौन उत्पीड़न के आरोपी निहाल चंद आपकी सरकार में पिछले चार बदल तक बने रहे और आपके किसी नेता ने उनकी निंदा नहीं की। अभी शरद यादव को डिफेंड करने के लिए आप निहाल चंद का उदाहरण दे रहे हैं, आप शरद यादव की तुलना निहाल चंद से कर रहे हैं। ओके, शरवत फातिमा जी, आपको लगता है कि कम से कम शरद यादव, अगर उनको लग रहा था उनकी अनुभवी भी है, उनकी जिह्वा फिसल गई थी, माफी मांग के इस पूरे विवाद को अंत कर देते? ये बयान शरद जी के तरफ से जो आया वाकई निहायत अफसोसनाक है, लेकिन अभी आरती जी जिस तरह से कह रही थी, जिस तरह से अभी आरती जी कह रही थी शरद जी के बारे में, तो शायद उनको याद नहीं है कि विनय कटियार जी ने जो महिलाएं स्ट्रगल करके अपना मुकाम पाती हैं उनको उनका खूबसूरती के साथ मुआजना कर लेना, एक तरह से उनका एक मुकाबला कर देना, ये कहां का इंसाफ बताता? उन्होंने जिस तरह से आज एक मिनट आरती जी शांति से सुन ले, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पर यह की गई टिप्पणी, बीजेपी ने जिस तरह से भद्दा बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने खूबसूरती का पैमाना रखा, ये उनके ज़हनी दिवालियापन को दर्शाता है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर विनय कटियार को आपने उत्तर प्रदेश में कुछ काम दे दिया होता तो शायद वो ये बयान नहीं देते। वो आपने उन्हें पूरी तरह बेरोजगार रखा, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के बेहुदा बयानात से दे रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर उनको इतना ही खौफ आ रहा है प्रियंका जी से, तो फिर वो इलेक्शन में मुकाबला करें ना। बेहुदा शब्द आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में रहे, कृपया पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में रहे और बेहुदा और फालतू की शब्द मत बोलें। आप किस पे टिप्पणी कर रहे हैं? उस परिवार की बेटी पे जिस परिवार ने शहादत का दर्जा, जिस परिवार ने शहीद होकर के अपने हिंदुस्तान का सर सर पे उठाया है, आप उस परिवार की बेटी के बारे में कह रहे हैं जिसकी दादी ने कुशल नेतृत्व देके पूरी दुनिया में लोहा मनवाया था,
आप उस परिवार की बेटी पे उंगली उठा रहे हैं एक मिनट फातिमा जी, जिसकी माँ ने यहाँ की संस्कृति यहाँ के तहजीब और तमद्दुन को अपना देके मैं इस चीज को इसको मत जोड़िए किसने क्या किया। सवाल ये है कि इस तरह का बयान जो है वो शर्मनाक है। फहमी जी, आपको लगता है कि शरद यादव और विनय कटियार दोनों को माफी मांगनी चाहिए? दोनों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये मासूमाना गलतियां नहीं है, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, जब इनके पास अपना उजला रिपोर्ट कार्ड नहीं है कुछ बताने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, तो जनता को और पूरे डिस्कोर्स और डिबेट को भटकाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि गैर जरूरी मुद्दों पर बात चली जाए और असली मुद्दे जो इनके शरद यादव महिला आरक्षण के दौरान उन्होंने लगातार इंडियन महिलाओं पे टिप्पणी की। राजीव रंजन जी को ये बात समझनी चाहिए कि पिछले जमाने में कोई संघर्ष किया उसकी साख पर आज वो अपराधी आचरण नहीं कर सकते। और ये जो इज्जत का जो पूरा डिस्कोर्स है, हम इससे त्रस्त आ चुके हैं। इज्जत नहीं, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को आप कम करके आंकते हैं, इसमें ये आपके परिवार के लिए भी घातक है। राजीव रंजन जैसे नेता सिर्फ शरद यादव एक सीनियर लीडर है, इसलिए उनकी मुखालफत करने की मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए उनके बयान को जस्टिफाइड कर रहे हैं। ये और शर्मनाक है, ये और शर्मनाक है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन उनके लिए बड़ी मामूली चीज है, और यही हम बिल्कुल नहीं। बोर्ड आप ये देखिए, पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत जनता दल यूनाइटेड का महिलाओं को लेकर जेंडर इशू होता क्या है वो बिहार की जनता जानती है, बिल्कुल नहीं पता कि जेंडर किस तरह से सबसे बड़ी वजह थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार सरकार बनी उसमें आधी आबादी की, लेकिन वो आधी आबादी आज सवाल कर रही है आपसे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शरद यादव जी ने जो संदर्भ अरे आप संदर्भ मत समझाइए, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं के सामने में बातें की हैं, वो देश के पांच राज्यों के चुनाव उन चुनावों में लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या होती है उसकी अहमियत को उन्होंने दर्शाया है। अच्छा, और जिन शब्दों को लेकर के राजीव रंजन जी एक मिनट पाते हैं जी, एक मिनट ओके राजीव रंजन जी, तो मुझे लगता है राजीव रंजन जी मुझे आप बताइए, यानी राजीव रंजन ये कह रहे हैं आज कि वोट की कहीं है किसी को पीड़ा पहुंचाने का, वोट की कीमत लगातार आप भी कह रहे हैं वोट की कीमत, आप शरद यादव के बयान के साथ खड़े हैं ना, आप राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं ना, उन्होंने जो बयान दिया ठीक दिया, ये डबल अफसोस है, डबल ट्रेजेडी है इस समय, इस जो आप जो घट रहा है इस समय स्टूडियो में, कि राजीव रंजन जी उसको छोटी बात और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक उन्होंने इस्तेमाल किया मुहावरे के तौर पे या मिसाल के तौर पे। देखिए, हम इसी बात से त्रस्त हैं, मुलायम सिंह यादव ने भी यही किया, कहा था क्राइम अगेंस्ट वुमेन को छोटा बताना, मामूली बताना, इससे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता है। शरद यादव जी ने कहा उस बात का जिस तरीके से कोई तोड़ मरोड़ नहीं रखा है, उन्होंने बोला जो मैंने बोला वही बोला, क्या कह रहे हैं? और कोई शरद यादव आज पहली बार बोल रहे हैं राजीव रंजन जी, खैर मुझे कुछ पलों के लिए रुकना है राजीव रंजन जी, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब शरद यादव ने इस तरह के बोल बोले। मेरे साथ यास्मीन अबरार भी जुड़ गई है। यास्मीन जी, आपको लगता है कि शरद यादव और विनय कटियार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह की मानसिकता के लोगों को एक संदेश कड़ा जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग में रह चुकी हूँ, मैं चेयरपर्सन भी रही हूँ, मैं मेंबर भी रही हूँ, और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि नॉट ओनली शरद यादव या किसी एक्स वाई जेड का मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर, किसी को भी किसी महिला के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर वो उसके लिए अपशब्द बोलता है तो उसके लिए कानून है, और ये एक राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और महिलाओं के लिए है। आज इन्होंने बोले हैं, क्या पॉलिटिकल लीडर हूँ, क्या आम आदमी भी कोई अगर ऐसा बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके की प्रोवोक करने वाले, उत्तेजित करने वाले, अगर कोई भाषण देता है और किसी को मतलब टारगेट बना करके कोई चीज कहता है, और सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी मिलेगी, मीडिया में आएंगे, और उसके बाद में हमारा अपना मतलब पूरा होगा। आरती मेरा जी, आपको लगता है कि विनय कटियार बहुत दिनों से लाइमलाइट में नहीं थे, आप लोगों ने उन्हें काम नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, एक दिए तो गलती रही आपकी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान जानबूझ के दिया? बिल्कुल भी बात में नहीं जाना चाहती कि काम नहीं दिया या काम नहीं मिला और उन्होंने क्यों दिया, बट हाँ ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि किसी को भी आज की इस जो भारत की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ती हुई जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है उसको कम करने वाला बयान, हमारी बेटियों के खिलाफ किसी भी तरह का बयान जो शोभा नहीं देता उसे किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी फातिमा जी बोल रही थी, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनके बड़े नेता ने
अपनी ही मेंबर पार्लियामेंट को तंज माल बोला था और डेंटेड पेंटेड महिलाएं बोलते हैं नहीं नहीं देखिए रात को डिस्कोथेक में जाती हैं और अगले दिन विनय कटियार जी यूपी इलेक्शन से इतने खौफजदा हो गए हैं। अभी तो सिर्फ प्रियंका जी का नाम मात्र आया है, प्रियंका जी अभी यूपी में गई नहीं है, तो विनय कटियार जी इतने खौफजदा हो गए हैं क्योंकि उनके हाथ से यूपी फिसल रहा है, यूपी फिसल रहा है, तो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। इससे ये दर्शाता है कि बीजेपी में महिलाओं के बारे में किस तरह की सोच रखी जाती है, बीजेपी के लोग महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, उनका उनका क्या बीजेपी में आने वाली महिलाओं का खूबसूरती पैमाना होता है, या कि उनके उनकी योग्यता भी देखी जाती है। मेरे पास समय समाप्त हो गया। सरवत फातिमा जी, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना सही है इस तरह के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए ताकि लोगों को संदेश स्पष्ट जाए कि वो भी महिलाओं का सम्मान करते हैं।